आप लोग को जो है फिजिकल केमिस्ट्री से जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर जो है क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। ये क्वेश्चन जो है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार बोर्ड से है, ठीक है, उन सारे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन जो है 2010 और 2017 में आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री से है और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री से है। तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कंप्लीट कर लेना। आपका क्वेश्चन है द्रव रागी, जिसको द्रव ऐसे नहीं जिसको लाइफ फिलिंग भी कहते हैं, और द्रव विरागी, जिसको द्रव विरोधी जिसको लाइफ फोबिक भी कहते हैं, तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो द्रव विरागी को द्रव ऐसे नहीं लाइफ फिलिक के नाम से भी जानते हैं, द्रव विरागी को द्रव विरोधी और लाइफ फोबिक के भी नाम से जानते हैं, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2010-2017 में आया हुआ है। तो पहला अंतर आप लोग इस प्रकार से लिखो, पहली बात तो आप दो कॉलम बना लेना, एक साइड द्रव रागी लिखना, दूसरे साइड द्रव विरागी लिखना। द्रव रागी को द्रव ऐसे नहीं लाइफ फिलिक के नाम से जानते हैं, द्रव विरागी को हम लोग द्रव विरोधी और लाइफ फोबिक के नाम से जानते हैं। तो पहला अंतर में आप लोग को लिखना है, द्रव रागी में लिखोगे यह सरलता से तैयार किया जा सकते, यह सरलता से तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार से यहां पे लिख दोगे, इसमें लिखोगे ये कठिनाई से तैयार किए जाते हैं। ये आपका पहला अंतर हुआ, ये कठिनाई से तैयार किए जाते हैं, ये सरलता से तैयार किए जा सकते हैं। तो द्रव रागी और द्रव विरागी में इस प्रकार से पहला अंतर लिखोगे। दूसरा अंतर लिखोगे इनके अस्थायित्व के लिए किसी विद्युत अपघटन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, इनके अस्थायित्व के लिए किसी विद्युत अपघटन की आवश्यकता नहीं होती है। और वहीं पे यहां पे लिखना है आपको दूसरा में, इनके अस्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। इनके अस्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। इनके अस्थायित्व, देखिए, इनके अस्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है, इनके अस्थायित्व के लिए किसी विद्युत अपघटन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दूसरा अंतर इस प्रकार से आप द्रव विरागी में आप लिख दोगे, ठीक है। तीसरा अंतर आप लोग लिखोगे विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो सकता है इस प्रकार से ये आपका तीसरा अंतर, विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें आप लिखोगे इनमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होता है, इनमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा अंतर हुआ आपका। चौथा अंतर आपका है अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जा सकता है। वहीं यहां चौथा पॉइंट लिखोगे अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को, सॉरी, अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को नहीं देखा जा सकता, यहां पे लिखेंगे नहीं देखा जा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका चौथा अंतर हुआ द्रव रागी और द्रव विरागी में, ठीक है। तो अंतिम अंतर हम लिख ही देते हैं, पांचवा अंतर, इनमें प्रकाश का परकिरणन कम होता है, इसमें प्रकाश का परकिरणन अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो पांचवा अंतर जो है इस हम लोगों ने करा,
पहला अंतर आपके सामने दिया हुआ है। पहला अंतर है ये सरलता से तैयार किए जा सकते हैं, द्रव्यवेगी में आप लिखोगे ये कठिनाई से तैयार किए जाते हैं। दूसरा है इनके अस्तित्व के लिए किसी विद्युत अपघटक की आवश्यकता नहीं होती है, इनके अस्थायित्व के लिए यहाँ पे लिखा हो इनके अस्थायित्व के लिए जो है किसी विद्युत अपघटक की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं इनके अस्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघटक की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर है विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होता है। अति सूक्ष्मदर्शी, देखिए चौथा अंतर है आपका, ठीक है, अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को नहीं देखा जा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जा सकता है, इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। छठा अंतर भी आपका लिखा हुआ है, लिख भी दिए हैं, छठा अंतर आपका है निर्माण हेतु विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका छह अंतर हुआ, इन छह अंतर को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करना। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पर नए हैं उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।